बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम ये साबुत मसूर की दाल बना रहे हैं। ये मैंने 1.5 कप दाल भुगोती है, इसको भुगोते नहीं है, वैसे ही मैंने पानी डालकर धो के रखी है। और इसमें जो इंग्रेडिएंट जाएंगी वो ये हैं, ये प्याज है 1 स्मॉल, इसको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। ये साबुत धनिया पिसा हुआ है, ये 1/2 टीस्पून है। ये सुरख मिर्च है 1 टेबल स्पून। ये अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे जायका। और ये तड़के के लिए ऑयल, प्याज और अदरक मैंने चॉप करके रख लिया है। ये ऑयल में ये प्याज और अदरक डाल के हम भिगाल लगाएंगे या तड़का लगाएंगे। अब ये देखिए, मैंने प्रेशर में ये मसूर की दाल डाल दी है। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। ये मैं पानी ऐड कर रही हूँ, इसको मैं 1/2 घंटा पूरा प्रेशर दूंगी, क्योंकि हमें जरा अच्छी सी मिक्स गली हुई दाल अच्छी लगती है। ये देखें, इसको 1/2 घंटा प्रेशर देंगे। अब इसमें ये सॉल्ट 1/2 हस्बे जायका, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, ये प्याज जो मैंने पीसा था ये वो है, ये धनिया पाउडर। अब इसको मैं मिक्स कर इसको मैं प्रेशर दे दूंगी। अब मैं इसे 1/2 घंटे के लिए प्रेशर दे दूंगी। ये देखें, हमारे मसाले रेडी हो चुके हैं। ये देखें कितने अच्छे रेडी हो गए। ये देखें ये मेरे मसाले रेडी हो गए। अब इनको मैं देखें, ये रेडी हैं। अब मैं इनको पैन रखूंगी, इसमें ऑयल ऐड करूंगी। ये ऑयल 1/2 कप जो मैंने आपको बताया था, ये इसमें प्याज डाल दूंगी। ये प्याज आ गया इसमें। कुछ देर के बाद इसमें मैं अदरक भी ऐड कर दूंगी। जब ये तैयार होगा तो हम